नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे के तौर पर मनाती है। 24 दिसंबर की शाम से ही इस त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। इस बार क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन कुछ अलग होगा। कोरोना महामारी के चलते कई देशों में क्रिसमस तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कई क्रिसमस पार्टी स्पॉट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में क्रिसमस फेस्टिवल का रंग कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों और परिवार के साथ क्रिसमस का त्यौहार खुशियों भरा ही रहेगा। खास तौर पर बच्चों के मन में क्रिसमस के त्यौहार के लिए उमंग होती है, क्योंकि वह ये मानते हैं कि क्रिसमस की रात सेंटा आएंगे और उनकी सभी विशेष पूरी करेंगे। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्रिसमस का नाम क्राइस्ट से ही पड़ा है। बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है, लेकिन 336 ईसा पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया। क्रिसमस को खास उसकी परंपराएं बनाती हैं। इनमें एक सेंटा निकोलस है, जिनका जन्म ईसा मसीह के मृत्यु के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना बेहद पसंद था। यही वजह है कि वो यीशु के जन्मदिन के मौके पर रात के अंधेरे में बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। दरअसल सेंटा निकोलस को सेंटा क्लॉज भी माना जाता है, क्योंकि वो रात के वक्त उपहार बांटते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा दी। विश्व भर के अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।